दोस्तों हम फिर से हाजिर है एक न्यू अपडेट लेकर और आप सबका स्वागत है केदारनाथ की इस पावन भूमि पर जहां विराजते हैं भगवान भोलेनाथ और जहां पर जुड़ा है पांच पांडवों का इतिहास। दोस्तों आज का जो न्यू अपडेट है वो है कि स्नोफॉल के बाद यहां का मौसम कैसा है। तो यहां का मौसम आप देख सकते हैं, स्नोफॉल और बारिश यहाँ पर रुका हुआ है, ऊपर बादलों का डेरा है और बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर मौसम है यहाँ पर। और यहाँ पर भक्त लोग आ रहे हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं है और यहाँ पर सबको अब कर्व ग्रह के दर्शन हो रहे हैं। यह चारों तरफ का आप नज़ारा व्यू देख रहे हैं यहाँ, और यहाँ बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर ओम बना हुआ है और ये दिखने में ऐसा लगेगा जैसे आपको ये सोने का बना हो। आज की जो इन्फॉर्मेशन, आज का अपडेट यही है कि 20 अक्टूबर 2023 बाबा के दर्शनों के लिए यहाँ पर कोई भीड़ नहीं है और सब भक्त लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे हैं, गर्भगृह के दर्शन कर रहे हैं। गर्भगृह के दर्शन करना अपने आप में सपने को पूरा करने जैसा होता है। यहाँ पर हमारे कई भक्तों से हमने बात की, उन्होंने बताया कि गर्भगृह में हमने जब बाबा शिवलिंग के दर्शन किए और स्पर्श किया तो ऐसे लगा जैसे हमारा जन्मों जन्मांतर पुराना सपना पूरा हुआ। और यहाँ पर देख सकते हैं सर्दी के कारण हम अपने रूम में बैठे हुए हैं अपने दोस्तों के साथ, मगर हम अपने दोस्तों के साथ रूम से निकलने के बाद यहाँ का बाहर नहीं निकल आए यहाँ का अपडेट के लिए। और यहाँ मौसम इस वक्त बहुत ही शानदार बहुत सुंदर मौसम है, पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई है, बादलों का डेरा आप देख सकते हैं, चारों तरफ यहाँ के पहाड़ों को बादलों ने घेर रखा है। और दोस्तों ऐसे ही आपको हमारे धार्मिक वीडियोज देखना पसंद है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें ऐसे धार्मिक न्यू वीडियोस देखने के लिए। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। दोस्तों यहाँ के मौसम के बारे में क्या कहें, पता नहीं कब यहाँ का मौसम बदल जाए, कुछ कह नहीं सकते। इस वक्त यहाँ पर बारिश रुकी हुई है, ना ही स्नोफॉल है ना ही बर्फबारी हो रही है, मगर मौसम बहुत ठंडा है, बहुत ही प्यारा मौसम है, मगर कुछ कह नहीं सकते यहाँ के मौसम के बारे में। तो आप यात्रा करना चाहते हैं तो आप यात्रा करने के लिए आ सकते हैं और आपको अवश्य यहाँ पर गर्भगृह दर्शन होंगे, जैसा कि यहाँ पर जितने भी भक्तगण आ रहे हैं भोलेनाथ के गर्भगृह के दर्शन कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं और अपने सपने को पूरा कर रहे हैं। और यह बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही बढ़िया चांस है कि आप यहाँ पर आ सकते हैं। और यहाँ पर 24 अक्टूबर तक वैसे यही बताया गया है कि यह ना तो यहाँ बारिश होगी ना ही स्नोफॉल होगा, 24 तारीख के बाद यहाँ पर मौसम बदल सकता है। तो उससे पहले आप यहाँ पर आइए और दर्शन कीजिए भगवान भोलेनाथ के गर्भगृह दर्शन, जो अपने आप में आपके जीवन का एक अद्भुत एहसास है। तो ऐसे ही धार्मिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वीडियो देखते रहिए और हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंकर।